प्रयागराज स्थित बाघम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी जी को भू समाधि दे दी गई। मठ में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। प्रयागराज स्थित बाघम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। मठ में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में भू समाधि देने का काम बलवीर गिरी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। 5 डॉक्टरों की टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया था। MLN मेडिकल कॉलेज के 2, जिला अस्पताल के 2 और CMO ऑफिस से अटैच एक डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया था। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई थी। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद भू समाधि की प्रक्रिया सम्पन्न की गई। उधर नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जांच कर रही SIT महंत की सुरक्षा में तैनात चारों गनर से गहन पूछताछ कर रही है। चारों गनर को हिरासत में ले जाने की बात लगातार चर्चा में है। गनर अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है। खबर के मुताबिक चारों गनर को सस्पेंड किए जाने की भी सिफारिश की गई है। दरअसल पूरे मामले में चारों सरकारी गनर की लापरवाही सामने आई है। चारों गनर को आज निलंबित किया जा सकता है। शिष्य आनंद गिरी ने गनर अजय सिंह के खिलाफ बयान भी दिए हैं। और आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच के लिए मंगलवार को 18 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। हरिद्वार में महंत के एक शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया। आपको ये भी बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को संदिग्ध हालत में फांसी पर लटके मिले, जिसके बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को मीडिया में नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी जारी कर दिया गया। इसमें नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी पर आरोप लगाए हैं। और आपको ये भी बता दें कि महंत गिरी की संदिग्ध हालत में मौत मामले में FIR भी आनंद गिरी पर दर्ज की गई है और संगीन आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा वादी और मठ के पुजारी अमरगिरी पवन महाराज की ओर से जॉर्ज टाउन थाने में दिया गया और तहरीर में आरोप लगाया गया कि महंत स्वयं कहा करते थे कि आनंद गिरी उन्हें परेशान करता रहता है। तहरीर में कहा गया कि 20 सितंबर को 12:30 बजे महंत मठ के कक्ष में भोजन करने के बाद रोज की तरह विश्राम करने चले गए। रोज दोपहर 3 बजे उनका चाय पीने का समय होता था, लेकिन उस दिन उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।